दोस्तों, कागज का प्रयोग तो हम रोज ही करते हैं और हम यह भी जानते हैं कि यह हमारे लिए कितना जरूरी है। पुराने कागजों का तुम क्या करते हो? क्या तुमने सोचा है कि हम इसे फिर से इस्तेमाल में ला सकते हैं? पता है कि पुराने कागज को फिर से नया कागज बनाया जा सकता है। ऐसा तुम खुद या किसी बड़े की मदद से भी कर सकते हो। कैसे? तो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले प्रयोग हो चुके कागजों के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। कागज के इन टुकड़ों को एक बड़े डब्बे में भर लो। इसमें पानी डालकर इन्हें कुछ देर भीगने दो। अब गुनगुने पानी में एक चम्मच ब्लीचिंग पाउडर मिलाओ। ब्लीचिंग पाउडर आपके आसपास किसी दवाई या पंसारी की दुकान में मिल जाता है। कागजों को इस पानी में लगभग आधा घंटा भीगने दो। अगर कागज मोटा है तो आधे घंटे से कुछ ज्यादा समय भी लग सकता है। अब मिक्सी में 2 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर व पानी डालो। इसमें लगभग 1 कप भीगे कागज को डाल दो। तेज स्पीड पर मिक्सी चलाकर इस कागज और पानी के मिश्रण से गाढ़ा घोल बना लो। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखो जब तक सारा कागज गाढ़ा घोल न बन जाए। इस गाढ़े घोल को एक छलनी में छान लें जिससे अतिरिक्त पानी निकल जाए। इस छाने हुए गूदे को साफ और समतल जगह पर फैला दें। दबाकर और फैलाकर इसमें से अतिरिक्त पानी निकाल दें और सेलोफेन शीट को ध्यान से हटा दें। अब इस नए तैयार कागज को पूरी तरह सूखने दें। ये लो, तुम्हारा नया पेपर तैयार।